हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जो सितंबर में आईटीजी मेंस का एग्जाम चल रहा है ना, उसका हम लोग पहला पेपर आज डिस्कस करेंगे। पहले पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं ये जो क्वेश्चन है वो मेरे वेरी बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, फिर भी अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और इसलिए हम लोग आज इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीजीई एडवांस जो होता है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चन जो है स्पेशली जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक मटेरियल का ही है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखेंगे कहा गया, देयर आर टू मैग्नेट्स पी एंड टी। P is used as permanent magnet, while T is used in transformers. Then correct options are. तो पहले हमें ये समझना होगा कि परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर कैसा होता है ना? और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो क्वाइल्स होते हैं, क्वाइल्स के अंदर भी कोई मटेरियल होता है जो कोर होता है ना, उसका क्या बिहेवियर होता है? ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की खासियत यह होती है कि उसमें अगर एक बार मैग्नेटाइजेशन हो गया तो वो मैग्नेटाइजेशन जो है ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, मतलब कि उसका जो रिटेंशन पावर है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शुरू में क्या होता है, उसमें जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, किसी तरीके से किसी मैकेनिज्म से जो है बाहर से एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करके उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस किया जाता है। मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने का मतलब ये होगा कि उसमें जो छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं उनका अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर लिया जाता है, तब वो खुद भी फील्ड प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक तो एक्सटर्नल फील्ड है और एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, तो वहां पर हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दिया जाए तो भी उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो परमानेंट मैग्नेट खुद भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी उसमें मैग्नेटाइजेशन का जो रिटेंशन पावर है, रिटेंशन कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, है ना। आपने हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा होगा, हमने अपने जो वीडियो लेक्चर है उसमें पढ़ाया है मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में, तो उसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दो टर्म पढ़ाए गए, है ना। तो रिटेंटिविटी क्या होता है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तो जितना मैग्नेटाइजेशन बचा रहता है उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। तो परमानेंट मैग्नेट में रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में जो कोर्स होते हैं, जो जैसे सॉफ्ट आयरन का कोर हम लोग यूज करते हैं, है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि जब एक्सटर्नल फील्ड गायब हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, है ना। मैग्नेटाइजेशन जीरो भी होना चाहिए, वो बार बार मैग्नेटाइजेशन जो है वेरी करता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जो कोर्स होते हैं उसके अंदर, है ना। यानी इनकी रिटेंटिविटी हाई नहीं होनी चाहिए, अगर रिटेंटिविटी ज्यादा रहेगा तो रुका रह जाएगा वहीं पर। इसकी रिटेंटिविटी जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन समझते हैं, है ना। पहला ऑप्शन कहा गया है कि पी हैज हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। ठीक है, तो देखेंगे पी क्या था। पी जो है उसे परमानेंट मैग्नेट बनाया गया है, तो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हाई रिटेंटिविटी होती है और एक्चुअली में कोर्सिविटी भी हाई होता है उसमें। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। इसके बाद आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे में कहा गया पी है लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। ठीक, तो लो रिटेंटिविटी नहीं होता इसलिए ये गलत है। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों गलत हो गए। तीसरे में कहा गया टी है लो कोर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी का मतलब तो मैंने बता दिया था कि जो टी है उसको ट्रांसफॉर्मर में यूज करना है। ट्रांसफॉर्मर यूज करने का मतलब है जो सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कुछ वैसी प्रॉपर्टी इसके पास भी होनी चाहिए, है ना। तो उसके अंदर लो रिटेंटिविटी होती है। एक डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको। जब आप देखेंगे, हमने अपने वीडियो लेक्चर में जो बताया है
कि सॉफ्ट आयरन और जो स्टील होता है दोनों का जो हिस्ट्री से लूप है उसमें क्या फर्क है। ये मैंने बनाया है सॉफ्ट आयरन के लिए, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन के लिए जो है हिस्टैरिसिस लूप है। अगर स्टील के लिए बनाते हैं तो यही जो लूप है उसका एरिया बड़ा हो जाता है, एरिया बड़ा हो जाता है तो क्या होता है उसमें रिटेंटिविटी बढ़ जाती है और कोर्सिविटी बढ़ जाती है। सॉफ्ट जो आयरन है ना, सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी होता है, ये है ना, ये जो हाइट है यहाँ पर इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, और ये देखेंगे नीचे ये जो विड्थ है इसको कहते हैं कोर्सिविटी। तो सॉफ्ट आयरन केस में ये हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है ये कम होना होता है, कम होने से क्या होता है कि एनर्जी लॉस भी कम होता है, ठीक है। तो ये एरिया कम तभी होगा जब ये हाइट भी कम हो, है ना, ये हाइट भी कम हो और ये विड्थ जो है जिसको कोर्सिविटी कहते हैं ये भी कम हो। तो सॉफ्ट आयरन में ये रिटेंटिविटी भी कम होती है और ये कोर्सिविटी भी कम होती है, ये रिटेंटिविटी कहलाता है ना, और ये जो विड्थ है इसको कहते हैं कोर्सिविटी, ठीक है। कोर्सिविटी क्या होता है, कोर्सिविटी ये होता है कि जैसे हमने एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब हम जो है एक्सटर्नल फील्ड को घटाने लगते हैं, घटाते घटाते जीरो कर देते हैं तो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, इसको रिटेंटिविटी कहते हैं। अब हम उल्टा डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करते हैं ताकि मैग्नेटाइजेशन को गायब कर दे, ठीक है। तो उल्टा डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया है, तो उसके लिए ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है इस पर, तो निगेटिव है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है जिससे कि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए उसको कहा जाता है कोर्सिविटी, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोर्सिविटी भी लो होता है और रिटेंटिविटी भी लो होता है। तो ये जो टी मैग्नेट है इसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करना है, जैसा कि जो सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है ना, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लो कोर्सिविटी होनी चाहिए और लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये सही ऑप्शन है, चौथा वाला ओब्वियसली अपने आप गलत हो जाएगा, इसमें हाई कोर्सिविटी बता दिया और हाई रिटेंटिविटी बता दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।